राजधानी भोपाल से खबर, जहां सहायक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। मांगे पूरी नहीं होने पर महिला शिक्षकों ने मुंडन करवाया है। पदनाम पदोन्नति की मांग को लेकर लंबे समय से सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। चिनार पार्क में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो सहायक शिक्षक संघ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। मांगे पूरी नहीं होने पर महिला शिक्षकों ने मुंडन कराकर विरोध जताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पदनाम पदोन्नति की मांग को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, और जब मांगों पर विचार नहीं हुआ तो इस तरह से मुंडन करवाकर विरोध जताया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा मुंडन करवाया जा रहा है। वैभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। वैभव, मांगे पूरी नहीं होने पर यहाँ पर सहायक शिक्षा संघ मुंडन कराते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से अपनी एक ही मांग को लेकर बार बार आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, अपनी बात सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई, राज्य मंत्री तक पहुंचाई, सभी मंत्रियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, अपने विधायकों से बात करके सरकार तक ज्ञापन तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन हर बार क्या, सीएम शिवराज सिंह चौहान सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मांग को पूरा करेंगे। तो समय पहले भी शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को समय रहते पूरा कर दिया जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी जब मांग को पूरा नहीं किया गया तो आज फिर प्रदेश भर से आए जितने भी शिक्षक हैं वो चिनार पार्क में इकट्ठे हुए, और फिर जो महिला शिक्षक थी साथ ही पूर्व शिक्षक, दोनों मिलकर मुंडन कराया। उनका कहना है कि अब हम क्या करें, हमारे पास इसके अलावा प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। हम पदनाम चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, हर बार हमको आश्वासन दे दिया जाता लेकिन आश्वासन के चलते कुछ वो नहीं रहा। आगे तो क्या कुछ कदम होगा वैभव, सहायक शिक्षा संघ का, अगर यहाँ पर भी मांगों पर विचार नहीं होता है? हाँ रुमिता, चुनाव आ रहे हैं, इनका साफ कहना है कि चुनाव आ रहे हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हम सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, पढ़ाई के अलावा भी हम सारी योजनाओं को किस तरह से लागू हो सकती है उसको लेकर हम काम करते हैं। तो चुनाव आ रहे हैं, या तो सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई कर दे, नहीं तो फिर चुनाव आ रहे हैं, जिसका जो नतीजा बुरा नतीजा होगा वो इनको मजबूरी में सरकार को भुगतना ही होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।